हम काफी परेशान थे पिछले 2-3 महीने से, लेकिन हमें आपका वीडियो मिला यूट्यूब के जरिए और हमने फिर विचार किया कि नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भारद्वाज। तो आज हम बात करते हैं कुमकुम के बारे में। कुमकुम हमारी इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी, जो कि हमारे पास 5 से 6 महीने पहले आई थी। ट्यूबल ब्लॉकेज का केस लेकर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थी, और इनको बैक पेन बहुत होता था, क्योंकि इससे पहले जो इनकी फर्टिलिटी थी और उसमें उनका नॉर्मल डिलीवरी के उसमें इनका बैक पेन बढ़ गया था, और वो सिंस इनका बैक पेन कंटिन्यू था इनका इनफर्टिलिटी की जर्नी तक। तो अब कुमकुम बताएंगी कि इनको कैसा कैसा यहाँ पे ट्रीटमेंट मिला और हमारा क्या आउटकम निकला। नमस्ते। मेरी जो है थर्ड ट्यूब ब्लॉक थी, तो उसमें डॉक्टर ने हमको पहले बोला कि आपको या तो लैप्रोस्कोपी करानी पड़ेगी और उसके बाद नहीं तो फिर IVF कराना। हमने यूट्यूब पे आपका ये देखा, फिर हमने यहाँ कंसल्ट किया, तो इसमें हमें फिर हमने थर्ड 3 मंथ कराया। 3 मंथ में मैं कंसल्ट और मेरी बैक पेन वगैरह बिल्कुल सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज कुमकुम हमारे पास गुड न्यूज लेके आए हैं। इनका जो अप्रैल में साइकिल था वो जो है 22 अप्रैल को आया था, और 25th of May तक इन्होंने वेट किया, जबकि इनका जो साइकिल है वो नहीं आया। इन्होंने कल चेक किया तो UPT पॉजिटिव था। हेलो मैम, मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट इस बार पॉजिटिव आई है। 3 महीने की ये मैंने बात की थी कि 3 महीने का हम ट्रीटमेंट देंगे, एंड 3 महीने के बाद नेक्स्ट मंथ में इन्होंने कंसीव भी कर लिया। तो देखिए, जिस ट्रीटमेंट के लिए आपको लेप्रोस्कोपी बताई जाती है या फिर आपको सीधा IVF पे धकेल दिया जाता है, आप इतनी आसानी से कंसीव कर सकते हैं 3 महीने में, जिसमें आपकी शीरा फाड़ी नहीं होती। और आपको उत्तर बस्ती के दौरान कोई दर्द हुआ नहीं? और आपके क्या क्या ट्रीटमेंट हुए थे? वमन हुआ? वमन में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप वमन के टाइम पे थे ना सर? जी मैं तो था। आप वमन के बाद कैसा लगा? वमन के बाद पहले मेरे को एसिडिटी वगैरह ज्यादा रहती थी और उसकी वजह से सर में पेन होता था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं मेरे से बिल्कुल। तो देखिए, आयुर्वेद आप पे हॉलिस्टिकली काम करता है, जो आपकी पुरानी बीमारी है उसको भी ठीक करता है। बॉडी में पित्त का लेवल है, पित्त का शमन करके हम आपका जो अंदर का यूट्रस है उसका माहौल बच्चे के लिए फेवरेबल बनाते हैं। और डेफिनेटली जो आपका आपके बॉडी में पित्त बन रहा है या फिर आपके जो भी दोषा इम्बैलेंस है, वो चीज आपके नेक्स्ट जनरेशन यानी कि बच्चे तक नहीं आती, अगर आप आयुर्वेदिक डिटॉक्स, वमन और सारी चीजें फॉलो करें। सो आयुर्वेद अपनाइए। आपको इनफर्टिलिटी में कोई भी समस्या है, किसी भी वजह से है, देखिए टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, बट पहले नेचुरल ट्रीटमेंट बिना छेड़ा फाड़ी का ट्रीटमेंट आप अपनाइए, सो दैट आप टाइमली कंसीव कर जाए और आपके शरीर की दूसरी बीमारियां भी टाइमली करेक्ट हो जाए। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हम काफी परेशान थे पिछले 2-3 महीने से, लेकिन हमें आपका वीडियो मिला यूट्यूब के जरिए और हमने फिर विचार किया कि क्योंकि हमारी फैमिली में शुरुआत से ही आयुर्वेद फॉलो करते हैं, तो हमारा विश्वास था आयुर्वेद पे, तो हमने सोचा कि अगर एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है तो हम आयुर्वेद की तरफ जाएंगे और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा मिला।